गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर टू। आज हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर टू है इंट्रोडक्शन टू विंडोज 7, विंडोज 7 का परिचय। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ एंड efficient operation of the computer system। operating system उन प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो computer system के सुचारू और कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार है। it acts as an interface between the user and the computer। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में आईटी अधिनियम है। इज दैट क्लियर? ये क्या है हमारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू और कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में आईटी अधिनियम है। इन अदर वर्ड्स इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच योर इंटरैक्ट विथ योर कंप्यूटर। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जिससे आप अपने कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटरैक्ट योर कंप्यूटर, बातचीत करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर सच एज मैनेजिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर्स, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एंड सो ऑन। यह कंप्यूटर पर सभी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट, डिवाइस को प्रतिक्रिया देना, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की त्रुटि को ठीक करना, और प्रोग्राम को निष्पादित करना आदि। ये सारी चीज़ें क्या है हमारा विंडोज 7 करता है। आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में चैप्टर 2 से रिलेटेड 10 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।